हेलो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि स्लाइडर का कंसेप्ट क्या होता है और स्लाइडर कैसे वर्क करता है बाय यूजिंग एडिट टेक्स्ट और हमारे पुश बटन के साथ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक गाइड जो है वो ले लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ले लेनी है हमने। यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर की ऑप्शन मिल जाएगी, स्लाइडर को हम लोग प्लेस कर देंगे कहीं पर भी। अब स्लाइडर आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कहीं पर भी प्लेस जो है उसको कर सकते हो। अब मेन कंसेप्ट क्या है स्लाइडर का? स्लाइडर हमारा जो है वो टू वैल्यूज़ के ऊपर वर्क करता है, फर्स्ट वन इज़ मिनिमम और सेकंड वन इज़ मैक्सिमम। तो उसी तरह से हम स्लाइडर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और स्लाइडर का जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहो तो उसको कर सकते हो। इसी के नीचे हमारे पास दो ऑप्शन जो हैं वो मिल जाएंगी हमें, दैट इज़ मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू फ़िलहाल के लिए हम जीरो ही रखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, दैट इज़ 100। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले सकते हो। अब नॉर्मली इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमने इसकी एम फाइल में चले जाना है। एम फाइल में हमारे पास यहाँ पे स्लाइडर की जो कॉल बैक है वो हमें मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू को हमने गेट कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वैल्यू। यहाँ पर हमने वैल्यू गेट करनी है, तो उसके लिए गेट हैंडल्स डॉट, अब टैग नेम है, टैग नेम क्या आएगा इसका, स्लाइडर वन, और ये हमें क्या देगा, दैट इज़ वैल्यू। तो इसको सिंपली सेव करके हम प्ले करते हैं। तो देखिए हमारी कमांड विंडो के अंदर जो है वो वैल्यूज़ गेट हो रही हैं, जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे मिनिमम की तो वैल्यू उसने 100 बता दी, अगर इसको मिनिमम करता हूँ तो वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब अगर यही वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमने एडिट के ऊपर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वापस से अपनी जो गाइड है उसमें चले जाएंगे। यहाँ पर हम अपना जो एडिट टेक्स्ट है उसको लेंगे, एडिट टेक्स्ट को यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए। अब इसका जो है टैग नेम क्या है, दैट इज़ एडिट टेक्स्ट। तो इसको सिंपली लेकर हम इसको सेव करेंगे। अभी जो स्लाइडर में हमने वैल्यू गेट की थी उस वैल्यू को हमने सेट करना है किसके ऊपर, एडिट टेक्स्ट के ऊपर। अब एक चीज़ का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, हमारा जो एडिट है, एडिट टेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारा वर्क करता है स्ट्रिंग के ऊपर, लेकिन जो स्लाइडर है वो हमें वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके ऊपर सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास एक कमांड आ जाती है, दैट इज़ डबल टू str, या इसको हम num to str भी जो है वो लिख सकते हैं कि number to string। तो इस वैल्यू को हमने स्ट्रिंग में जो है वो कन्वर्ट कर लेना है। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको सेट करूँगा। सेट करने के लिए हमारे पास हैंडल्स डॉट टैग नेम। अब टैग नेम किसका आएगा हमारे पास, एडिट का। इसका जो टैग नेम है दैट इज़ एडिट वन। तो यहाँ पर हम लोग जो टैग नेम लिखेंगे वो लिखेंगे एडिट वन। एडिट वन के बाद अभी हमने इसके ऊपर प्लेस क्या करनी है, दैट इज़ स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग, जो किस में पड़ी है, हमारे वैल्यू नाम के वेरिएबल में। तो ये वैल्यू जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो सिंपली इसको सेव करके अब देखिए अभी जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो किसके ऊपर डिस्प्ले कर रही हैं, हमारे एडिट टेक्स्ट के ऊपर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एडिट टेक्स्ट में अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू देकर इसको चेंज करूँ तो वो कैसे होगा, उसके लिए हम लोग, हमारे पास एक और जो है यहाँ पर पुश बटन, उसको लगा लेते हैं। पुश बटन का जो टैग नेम आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ पुश बटन वन। तो इसको भी सिंपली हम लोग सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद हमने पुश बटन की जो कॉल बैक है उसमें चले जाना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लेनी है, जो वैल्यू है उसको गेट करना है, किससे, अब एडिट टैग से, हैंडल्स डॉट एडिट वन। तो एडिट का टैग नेम आएगा, लेकिन हमें पता है एडिट हमें क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग। तो अभी मैं इसकी स्ट्रिंग को जो है वो कन्वर्ट करूँगा किस में, नंबर में। तो उसके लिए कमांड आ जाती है हमारे पास str2
डबल। तो मैंने इसको सिंपली कन्वर्ट करके अब जो वैल्यू होगी इसको हमने सेट कर देना है हमारे पास स्लाइडर के ऊपर। तो यहाँ पे हैंडल्स डॉट, अब स्लाइडर के ऊपर रखनी है तो स्लाइडर का टैग नेम आएगा। अब स्लाइडर के ऊपर हमने क्या रखनी है, दैट इज़ वैल्यू, कौन सी वैल्यू जो किस में पड़ी है, वैल नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसको सिंपली हम लोग सेव करके प्ले करते हैं। अब देखिए अभी हमारी जो ये वैल्यू है ये इसके ऊपर भी आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर 100 लिखकर पुश बटन दबाता हूँ तो अभी देखिए स्लाइडर हमारा 100 वैल्यू के ऊपर चला गया। अगर मैं 50 लिखकर पुश बटन दबाता हूँ तो 50 पे आ गया। अगर 0 लिखकर दबाता हूँ तो वो हमारे पास 0 के ऊपर आ जाएगा। तो ये था हमारा कंसेप्ट स्लाइडर का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।